गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे के आसपास का। ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी, आज मतलब लगभग जगराता ही हुआ है। हमारा काम हमारा दोबारा से चल पड़ा है, तो ईंटों का ट्रक लेके आए थे, वो ढुल रहे हैं, ढुलने वाले। और बाकी शानवी का 2 सालों के बाद आज फर्स्ट डे है स्कूल का, बहुत एक्साइटमेंट है उसको। तो ये रात को मैंने भीगने के लिए डाले हुए थे चने, वही मैं बनाऊंगी। इसके अलावा फिर ये आटा गूंदने की तैयारी, मैंने ये वाली छलनी इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इससे काफ़ी बारीक बारीक जो छलना होता है ना, वो भी निकल आता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये चने में तड़का लगाया। मैंने पहले सिर्फ नाश्ते का ही ये प्रबंध किया, बाकी लंच में फिर से यही बनेंगे जो आप पूछते हो ना कि पानी का क्या करते हैं, तो ये लंच में भी बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए चने हो गए हैं रेडी, जैसे वो ठेला स्टाइल बनाते हैं ना, वैसे प्याज व्याज डाल करके उसको भी पसंद हेलो आएंगे। एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब भाई? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शादियों का महीना चला हुआ है, साथ ही तीज त्योहार भी चले ही हैं, तो हर कोई चाहता है कि उनकी शॉपिंग जो है ना सस्ते में निपट जाए। और शॉपिंग करती बार अगर जब तक हमें डिस्काउंट नहीं मिलते ना, तब तक मतलब शॉपिंग करने का मजा ही नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ऐप शेयर कर रही हूँ जिससे आपको भारी भरकम, बड़े बड़े ब्रांड्स पे भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अप टू 70% तक ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रही हूँ ट्रायल ऐप की। ट्रायल जो है ये एक कॉमर्शियल एज वेल सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मतलब आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे शॉपिंग भी कर सकते हैं ढेरों डिस्काउंट्स के साथ, और अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप वीडियोस डालना चाहते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग कर रखी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने भी कुछ लैक्मे के प्रोडक्ट्स ले रखे हैं जिन पे कि मेरे को भारी भरकम डिस्काउंट मिला है। और आप देखिएगा स्क्रीन पे मैं लगा के रखूंगी कि MRP और जो मैंने कोड वगैरह सब कुछ लगाया ना, उसके बाद जो डिस्काउंट के साथ आप MRP के प्राइस में और जो मुझे मैंने पे किया है प्राइस, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पहले ये जो है ये है लैक्मे की आईब्रो पेंसिल। लैक्मे आईब्रो पेंसिल की मदद से आप अपनी आईब्रोज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसे फिल कर सकते हैं, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देती है। इसके अलावा सेकंड जो चीज मैंने ली है वो है ये देखिए, लैक्मे का आइकॉनिक काजल। ये आपका काजल स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 24 आवर्स तक मतलब टच से मस नहीं होने वाला है, और एक ही स्ट्रोक में ये आपको बिल्कुल गहरा काला कलर देता है। मेरा फेवरेट है, तो मैंने फिर ये 2 का पैक चूज किया था। इसके अलावा देखिए, मैंने 2 ली थी ये लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स मतलब लेडीज की सबसे फेवरेट चीज होती है मेकअप में। तो मैंने ये देखो, दोनों ही बहुत ही प्रीटी जैसे कलर हैं। एक है ये रेड कलर, ब्लड रेड कलर है, और दूसरा देखिए ये इस तरह का है शेड। आप देखिए मतलब जो मैंने ये लगा रखा है, ये वाला ये शेड मैंने लगा रखा है, बहुत ही प्रीटी कलर है इसका। लैक्मे फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर आपको मैट फिनिश देकर आपके होठों पे पूरा दिन भर टिका रहता है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके होठों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, पूरा दिन भर मॉइस्चराइज रखता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे डायरेक्टली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया कि भारी भरकम डिस्काउंट चले रहते हैं। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोड डाल दूंगी, उस अगर कोड का आप यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा। मतलब इतने डिस्काउंट तो आपको पहले मिल ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो चेकआउट जरूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। एक बात और बता दूं कि इसमें ना आपको ऑल ओवर इंडिया में फ्री डिलीवरी मिल जाती है, मतलब आपको एक्स्ट्रा में कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम हो चुका है कंप्लीट, और इसके बाद फिर मैं क्या बच्चों को उठाती हूँ, वो काफ़ी देर तक सो रहे हैं क्योंकि आदत नहीं थी ना जैसे उठने की जल्दी उनको, वो लेट ही उठते थे। चलूं वो क्या हम भी कभी कभी बहुत लेट ये देखो, उठते सब थे। सोए हुए हैं। देख खाते थे इट्टा वाला कुत्ता तक यार मेरे बुझे। पड़े पारे सिर में गने आप उठा नहीं उठा उठा उठ, आए सानू 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 नहीं। स्कूल जाना है, जल्दी उठ जा, जल्दी 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 तैयार हो। अब तू रहने दे, तू सोया रह, तेरे तो स्कूल अभी 15 से लगेंगे, तो सो जा फिर से। तो आज अच्छा जल्दी निकल बाहर, खाना बन चुका है, मैंने बोला था ना कि रेडी हो जाना। वो सब तैयार है पर पहले तू तैयार ही नहीं है। तो सब्जी कौन सी सब्जी बनी है? भी नहीं, काले चने और और बस आलू होगी? नहीं,
फुलके भी बने हैं, तो पैक कर दे जल्दी के जल्दी तैयार होने के लिए। चलो अभी देख सकते हो मम्मा दीदी के अभी चोटी गुट गया, दीदी के स्कूल खुल गए हैं। आर्मी टू के स्कूल खुलेंगे 5 तारीख को, सिर्फ 5 तारीख को, 5 तारीख को मिट्टू, 5 तारीख को नहीं खुलेंगे, 15 तारीख को, आज 10 तारीख है। हाँ तो 15 तारीख को भी मैं उसमें ठूक कर दे, 5 दिन बचे हैं मिट्टू के पास। तो ऐसे बोल, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे, 5 दिन बचे हैं मिट्टू के पास स्कूल जाने के लिए। फिर मिट्टू जाएगा स्कूल और स्कूल में खाएगा मार। दांत मैं पूरा पेंटिंग कर लूंगा जल्दी। पेंटिंग होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना, 5 दिन में मम्मा पापा तो आज पढ़ाएंगे। प्रसाद मिलेगा उधर, मैडम का प्रसाद मिलेगा ना शानवी को, नहीं मिट्टू को भी मिलेगा। तो मैं कैसे जा रहा हूँ तब तेरे स्कूल खुलेंगे, पार कर दे, पार हाथ में मिलेगा, कर दिया मैं, दे दो मजा थोड़ी सी, दुकान पे मैं दौड़ने देना, तू फिक्र नहीं कर, तुम ये दौड़ेगा तो फिर मुझे भी एक चीजी तो पहले से रखना ही जरूर। शानू मिट्टू दोनों को एक दूसरे की चिंता हो रही है कि कहीं घर में रहकर ये कुछ एक्स्ट्रा केयर ना इसको मिल जाए और ये स्कूल में जाकर के कुछ एक्स्ट्रा मस्ती ना कर ले। कैसा होगा मेरा देखते हैं, मतलब कैसा होगा तू खुद बताएगी कैसा होगा कैसा नहीं। तुझे पता 3 बजे होगी छुट्टियों में, पापा पहले से बोल देना 3 बजे आ जाए लेने मुझे। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि हम भी, कि कम से कम अब ये स्कूल जा कर के थोड़ा इंसान तो बनेंगे। घर में रह रहे के मतलब कुछ भी नहीं सीख रहे थे, बात नहीं मानते थे, कई चीज़ें थी, तो अब ना आधी सिरदर्दी हमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका लंच पैक किया, बस अभी शानवी के स्कूल खुले हैं, मिट्ठू के 15 से शायद खुलेंगे, अभी पक्का मतलब नोटिफिकेशन तो नहीं मिला है लेकिन ऐसा बोल रहे थे। पर मैं तो यही बोल रही हूँ कि भाई खुल जाएं, दोनों जाने लगे स्कूल। ये ले अपने हिसाब से डाल देना इसको। हम मैं आप कितनी की टाइम फाइल ले लूंगा, आई कार्ड नहीं, क्योंकि आई कार्ड नया बनेगा ना हमारा स्कूल। जल्दी जा स्कूल में, या तो आई कार्ड बना भी नहीं था, तो पुराना आई कार्ड था मेरा, ये पुराना आई कार्ड पहन के रख। हां तू रुक जा, तू रुक जा, अभी तो तू खाली खाना जितना खाना है ना बना देंगे, फिर देखियो। हां टाइम भी बनाती हूं, पानी ठंडा डालूंगी कि गर्म करने दो। ठीक है, इसको थोड़ा पानी गर्म करना। मैं मेरी बोतल चेक कर लेती, काफी हो गया है मेरी बोतल। तेरी बोतल का भी करेंगे प्रबंध, पहले इसको तो हो जाने देना आज, फिर तेरा भी प्रबंध हो जाएगा। अभी काफी है तो ठीक है, अब हाँ बुक चेक करनी तो इतनी सारी क्यों ले जा रही है, फिर तो बहुत भारी हो जाएगा ना बैग, ये देख कितना भारी हो रखा है, मेरे से नहीं उठाया जा रहा है, मुझसे ही नहीं पता चलता क्या क्या ले जाना है। बुक्स की इतनी सारी ले जाने की जरूरत थी क्या है? अभी आज तो फर्स्ट डे है ना, अभी तो तुम्हारा पिछला होमवर्क ही चेक करेंगे वो लोग, क्या किया तुमने क्या नहीं किया। अभी तो तुम्हारी हड्डियाँ टूटेंगी, पहले हड्डियाँ तोड़ने के बाद ही अगला काम चलेगा। घर में रह के ना इनका पूरा शेड्यूल एकदम ख़राब था, ना कोई तैयार होने का पता, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब स्कूल हो गए स्टार्ट, तो अब खुद इंसान बन जाएंगे, अपनी जिम्मेवारियां भी समझेंगे। इतनी चिंता क्यों हो रही है इस मिट्ठू के बच्चे को, इसके स्कूल जाने की? हाँ जी, हाँ जी हो गई रेडी, पहले इसको आ करके न लाऊंगी, तेरे को पहले इसको छोड़ के आते हैं। पापा चले गए हैं, तेरे को छोड़ने, तेरे को छोड़ने चले गए हैं, बैग इधर ही है, तू भी इधर ही है, अकेले ही चले गए हैं तेरे को छोड़ने। अच्छा ज्यादा दूर जाने से उल्टियाँ होती है,
मत मत पीछे रे पीछे रे, मैंने मना किया ना। हाँ अभी तो खूब एक्साइटमेंट है ना, इसलिए भाग रही है इतनी। और जब स्कूल में पूछेंगे ना कि क्या क्या पढ़ा इतने टाइम में, तब फिर लगेगा पता। इनके पापा भी यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, तो बस अब ये इनको छोड़ के आएंगे, और जब तक ये ईशानवी को छोड़ के आएंगे फिर मैं अपना काम मेरा चल पड़ेगा। मतलब जो पहले की रूटीन होती थी ना वो फिर से वापस आ रही है, तो सारा मतलब फैला पड़ा है, ये उठाऊँगी पहले। और मौसम कुछ इस तरह का है, और अभी काम चला हुआ है तो सारी जगह मतलब रेत रेत और वो सब चीज़ें हैं ही, तो पहले तो मैं अंदर का ही देख लूँगी कि अंदर अंदर से साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ। और बाहर अभी ये ढूल रहे हैं ईंटों को, तो यहाँ पर करने का कोई फ़ायदा है नहीं, जब ये ख़त्म होएगा उसके बाद ही देखूँगी। तो ये वाला झाड़ू मैं इसलिए लेके रखती हूँ ना, तो ये मतलब काफ़ी एरिया एकदम से कवर कर लेता है, बड़ा है, जल्दी हो जाती है। तो अंदर अंदर से मैं झाड़ू मार के आई, मैं क्या ऊपर देख के आती हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, मतलब ये किस हिसाब से रख रहे हैं। इनको बोला था हमने कि सारे कमरों में थोड़ी थोड़ी करके रखना, क्योंकि ऐसे फिर वजन पड़ता है ना घर पर भी। तो फिर मैं क्या चलो चेक मार के आती हूँ। फिर यहाँ पर आकर के देखा तो कुछ वैसे ही करा था इन्होंने, कि थोड़ी थोड़ी करके रखी हुई थी यहाँ पर भी, पर अब थोड़ा सा खुद को देखना पड़ता है ना, क्योंकि इन्होंने तो बस फेंकना ही है। तो यहाँ पर जो तसले वगैरह थे ना इसके ऊपर इंटें फेंक दी थी, फिर मैंने वो सारी चीज़ें मतलब साइड की, मैं कैसे टूट जाएंगे फिर दोबारा, मुश्किल तो हमें ही होने वाली है। तो बस ये सारी चीज़ें की, यहाँ पर भी ये पटड़ा है नीचे से मतलब लेकर के आए थे हम लोग, ये तब का सा यहीं पे था। बस मैं यहाँ से वहाँ हीली नहीं कि ये पीछे पीछे, और बस एक दो दिन की ही बात है, फिर तो इसका भी काम चल पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा है। इसके अलावा फिर ये चाय नाश्ता इनके लिए तैयार किया था, ये ना उधर मतलब अपना जहाँ पे ये सब के सब इकट्ठे हैं, जहाँ से मतलब ढूल रहे हैं ईंटों को, वहीं पर ले जा कर के वाला हम लोग खाएंगे। तो ये मैंने इन्हीं के पास दे दिया, भैया के पास, में क्या ले जाओ आप तो अपने हिसाब से, फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। लगभग 11-12 बजे तक ये लोग वो ढूलते रहे, और मेरा साफ़ सफाई में ही फिर पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम का। तब को फिर ईशानवी भी आ गई वापस स्कूल से। अच्छा बहुत मजा आया ईशानवी को स्कूल में, क्या क्या पढ़ा? कहते हम लोग ने रीडिंग भी की और लिखा भी, और मामा कहते मुझे जो ईवीएस करेंगे ये करवा देना, कहते लॉन्टे कहते और जो टेस्ट है इसका। अच्छा मैं करवा दूंगी साइंस का, ये कहते अच्छा ये भी करा दूंगी। मिठू सुन लिया तूने, कितने मजे आए इसको। मिठू ने क्या किया? मिठू को भी मजे आए। क्या किया बता जरा। इसका एक फ्रेंड आया था, नहीं झूठ बोल रहा है, चीजी तो नहीं खाई ना इसने, पर इसने इसका फ्रेंड आया था उसके साथ खेल रहे थे वो कृषभ। अभी अभी गया क्यों? तो ये होता है स्कूल, आज हो रही है मतलब असली पढ़ाई, खुद बोल करके कि मम्मा पढ़ा दो ऐसे मैं इनके पीछे भागती थी, कर लो नहीं। तो अच्छा हुआ स्कूल लगे, और ये फ़र्क होता है खुद से और स्कूल की, जब प्रेशर पड़ता है ना मैडम जब बोलती है तो वो हर चीज़ माननी पड़ती है। अच्छा तो आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पर।